टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनकी जीत की खुशी में करीब 20,000 लोगों को खाने की दावत भेजी गई है। दावत का खाना बनाने के लिए 100 हलवाई लगाए जाएंगे। वहीं 5,000 किलो लड्डुओं के साथ 3,500 किलो गुलाब जामुन और 1,500 किलो जलेबी भी बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, पानीपत में पहली बार लेटर बॉक्स लाल रंग की जगह गोल्डन कलर का किया गया है। गुरुवार को मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक केवल मिठाई ही बनेगी। नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि 15 अगस्त के बाद नीरज कभी भी गांव आ सकता है। उनके जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में दावत दी जा रही है। वहीं 2,500 जनसंख्या वाले गांव खंडरा में 20,000 लोगों का खाना बनेगा। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा का कहना है कि नीरज के चाहने वालों का कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। उनके चाहने वाले अब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो चुके हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।